और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के जहानाबाद से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर पुलिस ने युवक को गोली मारी है। चेकिंग के दौरान भाग रहे युवक को गोली मारी गई है। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं पुलिस ने बाइक सवार युवक को ओवरटेक कर गोली मारी है। ये बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद से मिल रही है। वहीं एसपी ने पूरी टीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से मिल रही है। चेकिंग के दौरान भाग रहे युवक को गोली मारी गई है। अब युवक की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि एसपी ने पूरी टीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की है। तो बिहार के जहानाबाद में युवक पर फायरिंग की गई है पुलिस द्वारा। ये फायरिंग का मामला सामने आया और ये तस्वीर अब सामने आई। दरअसल बताया जा रहा है कि जिस दौरान यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी, युवक को रोका गया, युवक नहीं रुका, बाइक पर ये सवार था, उसके बाद में फरार होने लगा तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। हालांकि इस पुलिस की पूरी कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एसपी की तरफ से ये एक्शन भी लिया गया है जहां पर पूरी टीम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। जिस शख्स को गोली मारी गई वो तो गंभीर रूप से घायल है, लेकिन जिस एसआई ने युवक पर गोली चलाई थी उस पर भी अब एक्शन लिया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर इस समय बिहार की है जहां पर जहानाबाद में पुलिस का एक अलग रवैया नजर आया है।